नमस्कार दोस्तों, अक्सर डॉक्टरों और बड़े बुजुर्गों द्वारा लोगों को कहा जाता है कि हर रोज एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। वैसे तो दूध कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य व शरीर के लिए फायदेमंद है। रोजाना दूध का सेवन करने से शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। खासकर दूध के सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए बेहद फायदेमंद हैं। दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण ही पूरे विश्व में इसका सेवन भोजन व आहार के एक हिस्से के रूप में किया जाता है। दूध में विटामिन के साथ ही कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम आदि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। भले ही दूध पीने के अनेक फायदे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को दूध पीना अच्छा नहीं लगता। खासकर बच्चों को दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं तो आप दूध से बने उत्पादों का सेवन कर सकते हैं, जैसे दही, मक्खन, लस्सी, खीर और पनीर। इसके अलावा दूध में फलों को मिलाकर आप शेक बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए दूध का सेवन जरूर करें। दूध के नियमित सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज हम आपको दूध पीने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि आप इसके फायदे जानकर खुद ही दूध पीना शुरू कर देंगे। तो आइए आपको बताते हैं दूध पीने के तरीके और इन तरीकों से दूध पीने के बाद होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में। दूध पीने के तरीके और फायदे। गुड़ डालकर तैयार किया गया दूध। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। चीनी के स्थान पर दूध में गुड़ का उपयोग करना फायदेमंद रहता है। सर्दी के मौसम में गुड़ डालकर दूध पीने से अधिक लाभ होता है। इसके सेवन से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इलायची वाला दूध। इलायची वाला दूध पीने से शरीर को कई प्रकार से लाभ होते हैं। साथ ही दूध में इलायची डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। यह दूध आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से खून की कमी दूर होती है। साथ ही इलायची वाले दूध का सेवन त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसके सेवन से चेहरे की झुर्रियाँ कम होती हैं और त्वचा जवां दिखती है। साथ ही इसके सेवन से पेट व पाचन संबंधी समस्याओं में भी फायदा होता है। रोज़ मिल्क। दूध को रंगदार बनाने और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें रूह अफ़ज़ा मिला सकते हैं। इसके सेवन से आपकी थकावट दूर होगी व तनाव कम होगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। केसर वाला दूध। दूध में केसर डालकर पीना भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके सेवन से कई प्रकार के रोगों से बचाव होता है। प्राचीन समय से ही केसर और दूध का सेवन किया जाता रहा है। राजे महाराजे भी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए दूध में केसर डालकर पीते थे। इस मिश्रण के सेवन से त्वचा में निखार आता है और रंग गोरा होता है। बादाम वाला दूध। बादाम डालकर तैयार किया गया दूध स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके लिए भीगे हुए बादामों को दूध में मिलाकर पीने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और इसके गुण भी अधिक हो जाते हैं। बादाम वाला दूध दिल, दिमाग, आँखों व त्वचा के लिए फायदेमंद होता है और इन अंगों से संबंधित रोगों व समस्याओं से बचाव करता है। खजूर वाला दूध। सर्दी के मौसम में दूध में खजूर डालकर खाना बेहद फायदेमंद रहता है। इसके सेवन से सर्दी से बचाव होता है और सर्दी के मौसम में लगने वाले खांसी जुकाम से राहत मिलती है। फ्रूट मिल्क यानी फलों वाला दूध या शेक। अगर आपको सादा दूध पसंद नहीं है तो आप इसमें अपने पसंदीदा फल मिलाकर शेक बना सकते हैं। दूध में फल डालने से पोषक तत्व तो बढ़ते ही हैं, साथ ही दूध का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। मिल्क शेक बनाने के लिए केला, आम, स्ट्रॉबेरी आदि फलों को दूध में मिलाया जा सकता है। हल्दी वाला दूध। हल्दी डालकर दूध पीने से सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में अंदरूनी चोटों व घावों को ठीक करने के लिए हल्दी वाले दूध का उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अंदरूनी चोटों के दर्द, जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम मिलता है।
चॉकलेट वाला दूध। चॉकलेट वाला दूध खासकर बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट वाला दूध तैयार करने के लिए इसमें चॉकलेट, चॉकलेट सीरम या चॉकलेट पाउडर डाला जा सकता है। चॉकलेट डालने से दूध का स्वाद भी बढ़ जाता है। चॉकलेट वाले दूध का सेवन करने से दिमाग की नसें सक्रिय हो जाती हैं, साथ ही त्वचा के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि चॉकलेट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो झुर्रियों को कम करते हैं और चेहरे पर निखार लाते हैं। नारियल वाला दूध। नारियल को पीसकर दूध में मिलाकर आप इस मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। नारियल और दूध को मिलाने से यहाँ दूध का स्वाद बढ़ जाता है, वहीं पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। नारियल और दूध को मिलाकर बनाया गया मिश्रण लीवर, जोड़ों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके सेवन से त्वचा में निखार आता है और दाग धब्बे दूर होते हैं। सोयाबीन का दूध। बाजार में सोयाबीन वाला दूध भी उपलब्ध है। इसके सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है और साथ ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है, जिससे कई रोगों से बचाव होता है। छुहारे वाला दूध। छुहारे डालकर दूध पीने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। खासकर इसके सेवन से पुरुषों के यौन स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके लिए दूध को उबालते समय 2-4 छुहारे डालकर उबाल लें। इन छुहारों को आप खा भी सकते हैं। सो दोस्तों, यह थी दूध से जुड़ी जानकारी कि आप किस तरह से दूध का प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।